सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दो तीन क्वेश्चन आप लोगों का, जो था कॉमन क्वेश्चन था इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन के लिए। कल मैंने एक वीडियो बना दिया था, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोगों का कुछ कन्फ्यूजन था, जो कि लगा कि मुझे क्लियर कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में वो क्लियर करने वाला हूँ, और उसके बाद से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप करोगे, नहीं करना होगा नहीं करोगे। लेकिन अगर चाहते हो करना तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख लेना पूरा। उसके बाद ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नई नई अपडेट वीडियो जॉब से रिलेटेड जब भी आए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि म्यूजिक सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि म्यूजिक सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, या फिर जो देना है उनको वो क्या करना है और कैसे वेरीफाई करवाना है। देखिए, म्यूजिक सर्टिफिकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से, जैसे हमारी पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट होता है, वैसे म्यूजिक के लिए भी होता है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो अपना सर्टिफिकेट। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब आपका टेस्ट होगा तो वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच तो की जाएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना कि सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आना चाहिए। वहाँ पर गाना नहीं बोला नहीं जाएगा कि आप गाना गा के सुनाओ और ऐसा कुछ, आपको आना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आपका है सर्टिफिकेट, वो चीज़ आपको आना ज़रूर चाहिए। जब आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आपको फिजिकल और मेडिकल देने का मौका मिलेगा, और एक बार फिर आपका लास्ट में होगा एक और टेस्ट जो फाइनल होगा। तो ये चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। और हाँ, देखिए, आपके लिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रिटेरिया नहीं है कि सबको एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए आपके पास थोड़ा सा हायर परसेंटेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कम परसेंटेज वालों का चांस थोड़ा कम बनता है। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करके ही वो लोग बुलाएंगे, और ऐसी वैकेंसीज में ज़्यादा वैकेंसी होती नहीं है, तो ये चीज़ भी सोचना होगा। और बाकी जो लोग नेवी एमआर के स्टेवर्ड से फाइजेनिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसी महीने वो भी वैकेंसी आने वाली है और जून तक आपका सब कुछ हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई आप कर दोगे। बाकी जिनको करना है वो कर सकते हैं। और टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में आपको कोई भी रिटन टेस्ट और ये सब नहीं देना है, बस वहीं आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, सब कुछ देखा जाएगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना जो दिखाना होगा कि आपके अंदर। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्कूल में कभी कभी कोई इवेंट्स होते हैं और ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे अवार्ड्स भी मिलते हैं, तो अगर वो भी आपके पास है, उसमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि हाँ, इस बच्चे ने यहाँ पे मान लो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा किया है और इसको ये सर्टिफिकेट है इसके पास, तो आप उसको भी दे सकते हो, वो भी चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर आपके पास है तो आप ज़रूर अप्लाई करो, और क्या पता आपकी जॉब हो जाए इसमें, क्योंकि इन सब में थोड़ा आसानी होता है जॉब होने में, क्योंकि रिटन है नहीं आपके लिए, बस आपको टेस्ट है उनको क्लियर करना है। अगर आपको पता होगा म्यूज़िक के बारे में तो आप ज़रूर क्लियर कर जाओगे। तो बस यहीं क्लियर करना था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी अनअकैडमी पे देखना चाहते हो कोर्सेज को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम, फेसबुक और अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो मौजूद है। तो आई होप कि आप लोग सब लोग सही से होंगे और ज़रूर अप्लाई करोगे। दो दिन आपके पास है, यानी 6 मई से आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो जैसा आपको लगे आप ज़रूर करना। और कोई भी सवाल और भी हो तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और देखते रहिए स्टडी विद अभिषेक।